शैलेश जी, बदरुद्दीन अजमल ने तमाम बड़े आरोप लगा दिए। वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध तो लगातार हो ही रहा था, लेकिन अब कह दिया है कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही नया संसद भवन बनाया गया है, मुसलमानों की जमीन मुसलमानों को वापस दी जाए। कैसे देखते हैं इसे आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ बोर्ड पूरे देश की जमीनों को हड़प लेगा और भारत के जो सनातनी है, हिंदू है, उनका कुछ रहा ही नहीं। यह सरासर एक प्रकार से मानसिक आतंकवाद है। जो बदरुद्दीन अजमल ने कहा है, यह निश्चित तौर पर मानसिक रूप से आतंकवाद है, लैंड जिहाद है। वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। और बदरुद्दीन अजमल का जो भी आधार है, आप देखेंगे जो असम में जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको गलत तरीके से उनके आईडी बना करके उसके वोट बैंक को लेकर के एमपी बनते हैं। और यह निश्चित तौर पर जिस तरह उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर पार्लियामेंट को बता दिया, वक्फ बोर्ड की जमीन पर एयरपोर्ट को बता दिया, पूरा बसंत विहार को बता दिया, यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सैकड़ों वर्ष से बसंत विहार जो जगह है, वह यहाँ का मूल रूप से जो मूल निवासी है जाट और गुजर और जो भारद्वाज ब्राह्मण समाज है, इन सब तीन समाज की यह प्रॉपर्टी पूरा बसंत विहार है। धीरे धीरे लोगों ने बेच करके और व्यापारिक रूप से आगे प्रतिष्ठान को बढ़ाया। और जहां तक एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट जो है वह भारत की सरकारी जमीनों पर है और बाद में भारत सरकार ने एयरपोर्ट बनाने के लिए दिया। तो अगर इस प्रकार से बदरुद्दीन अजमल कहेंगे कि सारा का सारा जमीन उन्हीं का है, इसका मतलब उनकी मानसिक रूप से विकृति पागलपन सूचक करता है। और यह निश्चित तौर पर देश में एक नया टकराव लाने का पैदा कर रहे हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वक्फ बोर्ड को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समाज को भी परेशानी हो रही है, मुस्लिम समाज के लोगों की जमीन को लोग हड़प लेते हैं और उसको वक्फ बोर्ड की जमीन बता लेते हैं, तो यह निश्चित तौर पर दुखदाई है। और पार्लियामेंट का होना, राष्ट्रपति भवन को भी बोल देंगे कुछ दिन के बाद, वह सारे जगह पर देखिए, दिल्ली के 6 मंदिरों को लोगों ने वक्फ बोर्ड वाले ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस मंदिर को खाली करो। तो इस प्रकार पूरा देश उनका हो गया और भारत के जो मूल सनातनी है, जो हिंदू हैं, उनका क्या रहा? यह सरासर एक प्रकार से मानसिक आतंकवाद है जो समाप्त होना चाहिए, लैंड जिहाद है यह समाप्त होना चाहिए। और यह देश सनातनियों का है, भारत भूमि सनातनियों का है। जिस प्रकार से वह बांग्लादेशियों के बल पर, जिस प्रकार से वह रोहिंग्याओं मुसलमानों के बल पर वोट बैंक पा करके और एमपी बनकर के आते हैं, हाँ। अजमल जो है वह बड़े व्यवसायी हैं, वह व्यवसायिक दृष्टिकोण से बातों को रखते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह भारत। लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी, ये भी सच्चाई है कि बड़ी संख्या में इनके फॉलोअर्स भी रहते हैं, समर्थक रहते हैं। अब ये समर्थक किस सोच और किस मंशा के साथ रहते हैं, ये भी समझाने की कोशिश कीजिए। बदरुद्दीन अजमल का एक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है, हालांकि वो विवादों से भरा रहा है। अक्सर उनके बयान या उनकी बातें इस तरीके से विवाद खड़े कर देती हैं कि लोगों के बीच में चर्चा हो और उसे अलग दृष्टिकोण से उन बयानों को देखा जाए। लोगों को भड़काना या धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना, ऐसी कई बातें बदरुद्दीन अजमल की तरफ से इससे पहले भी कही जाती रही हैं। अब उनका कहना यह है कि ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात उठाई हुई थी और जिस पर जेपीसी का गठन भी हुआ, और वो ये कह रहे हैं कि ये काम एक ऐसा होगा कि मिनिस्ट्री तक इन लोगों की चली जाएगी। तो आपको लग रहा है कि नाराजगी इस कदर बढ़ सकती है और जैसा उनका अंदेशा है ऐसा कुछ हो सकता है? और अगर कोई समर्थक है इन लोगों के, जो कि बड़ी संख्या में है, तो वो कौन है और क्यों है? देखिए, दिन में सपने देखना कोई बड़ा बात नहीं है। लोग सपना देखे और जिस प्रकार से ख्याली पुलाव बनाते हैं, इनका पुलाव जल जाएगा। भारत की भूमि भारत के लोगों का है, सनातनियों का है। और बदरुद्दीन अजमल का जो भी उनकी विसात है, राजनीतिक विसात, वह भारत में आए हुए बाहर से जो मुसलमान हैं उनके ऊपर आधारित है, चाहे वह घुसपैठिए बांग्लादेशी हो
म्यांमार से रोहिंग्या हो, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ दूसरे देशों से जो भी आए हुए घुसपैठिए हैं, उन्हीं को वहां पर असम में पिछले 20 सालों में जिस प्रकार से धर्मांतरण हुआ है, पिछले 20 सालों में जिस प्रकार असम में घुसपैठिए आए हैं, उन्हीं के बल पर बदरुद्दीन अजमल, लेकिन उनका अस्तित्व जो है वह असम तक ही सीमित है और असम में एक जिले तक, यानी कह सकते हैं कि पूरे देश में उनका प्रभाव है और ऐसे प्रभावशाली हजारों लोग हैं, उनसे ज्यादा फॉलोअर तो हमारे हैं पूरे भारत में सनातनी लोग। तो मैं यह मानता हूं कि बदरुद्दीन अजमल अपनी बात को जिस तरह से बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, छोटी मुंह बड़ी बात, यह निश्चित तौर पर दुखदाई है इस देश के लिए और ऐसे लोगों के बात का वजूद नहीं होता। निश्चित तौर पर यह देश में हिंदू मुस्लिम के बीच यह एक नई तरीके से मानसिक विकृति, एक आंतरिक रूप से षड्यंत्र और लड़ाई करने का एक जंग छेड़ा है, लेकिन उससे भारत के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं होगा। हाँ। सब लोग जानते हैं, लेकिन भारत में ही रहने वाले लोग हैं शैलेश तिवारी जी, जो कि बड़ी संख्या में बदरुद्दीन अजमल जैसे नेताओं का समर्थन करते हैं। अच्छा, नए संसद भवन को, उसके आसपास के क्षेत्र को, वसंत विहार वाला एरिया या हवाई अड्डा का एरिया, इन सभी को लेकर तो ये कह दिया कि वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बना हुआ है। बड़े उद्योगपतियों की तरफ भी इशारा कर दिया बदरुद्दीन अजमल ने, कहा कि सरकार जो है बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन जमीनों को कब्जा रही है और इन पर 5-स्टार होटल बनाने की तैयारी है। अब सवाल ये भी कि जहां हवाई अड्डा, संसद भवन या बाकी चीजें बन गई हैं, वहां 5-स्टार कैसे बनेगा? तो ये तो आरोप ही बेबुनियाद से लगते हैं। देखिए, आरोप लगा देने से कोई कह दे कि यहां हमारा, वैसे तो कहा जाए तो पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भी देश जो भारत से कट के रह गए वह भारत के थे, लेकिन आज तो नहीं है, वक्फ बोर्ड के थे। जमीन कह देने से कुछ नहीं होगा, ना तो बदरुद्दीन अजमल इसको प्रूफ कर पाएंगे, ना तो उनके पास कोई कागजात है और ना ही यह मानसिक दिवालियापन, पागलपन है जिसको देश की जनता के सामने एक कह सकते हैं अस्थिरता करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच एक नया विवाद पैदा करने के लिए, नया लड़ाई पैदा करने के लिए यह बातें को कही है, लेकिन भारत के लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की क्या अस्तित्व है। वक्फ बोर्ड जो है वह 13 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनों को हड़प लिया है और पिछले 20 साल में 1700% वक्फ बोर्ड की जमीन बढ़ी है। जो भी जमीन सरकारी है उसको कह देना वक्फ बोर्ड का है यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यह मानता हूं कि जो गैर मजरुआ जमीन, जो भारत की सरकारी जमीन है, वह सरकार की है, सरकार उस पर चाहे एयरपोर्ट बनाए, चाहे पार्लियामेंट बनाए, बदरुद्दीन अजमल उसके मालिक नहीं है और उनके बात का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं यह मानता हूं कि बदरुद्दीन अजमल के अगर फॉलोअर 2 लाख होंगे, ऐसे मेरे पास तो बहुत सारे कथाकार हैं जिसके फॉलोअर 1-1 करोड़ लोग हैं, इससे यह सिद्ध नहीं हो जाएगा कि अगर फॉलोअर आपके 1 करोड़ हैं, तो हम कह दे कि भाई जामा मस्जिद भी हमारे ही जगह पर बना हुआ है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ दिल्ली का जिक्र नहीं कर रहे, कह रहे हैं जमीयत उलेमा जो हिंद है वो असम में भी अपनी संपत्ति का सर्वे करेगा, देखेगा कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है वहां पर। देखिए, जमीयत उलेमा हिंद अपनी संपत्ति का कुछ भी कर ले, उससे क्या हो जाता है? जो जिसकी संपत्ति है, जो भारत का मूल निवासी है, अगर आप देखें तो पिछले भारत में कितने वर्षों से आए, 493 ईस्वी में पहली बार भारत में मुसलमान इंट्री किए और उसी समय से उनका अस्तित्व भी है, 1400-1500 वर्षों का इतिहास है मुसलमानों का। भारत भूमि लाखों वर्ष पुरानी वैदिक भूमि है, सनातनियों की भूमि है, और यह कह देने से कि यह जमीन हमारा है, यह जमीन हमारा है, वक्फ बोर्ड का है, उससे कुछ नहीं हो जाता। जो जहां जो स्थित है वह स्थित रहेगा, बदरुद्दीन अजमल की जुबान की कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा शैलेश तिवारी जी, जब नई संसद भवन का निर्माण हुआ था तो भारतवासियों ने बड़े गर्व के साथ उस पल को जिया था, उस इमारत के कोने कोने के बारे में जब बताया जा रहा था तो हमने बड़े गर्व से महसूस किया था और ये जाना था कि हाँ
आजाद हिंदुस्तान के बाद में नई संसद भवन का यूं निर्माण होना, फिर उसमें देश के बड़े मसलों को लेकर चर्चा होना, फैसले होना और कानून बनाने का अब काम यहां से शुरू होगा। और अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई इमारतों से हमें आजादी एक तरीके से मिली है, यानी कि भारत ने एक ऐतिहासिक कदम रख दिया है और इतनी शानदार इमारत बनाई जिसका सिर्फ देश ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में चर्चा हुई, तो ये गौरव करने वाली बात थी। इसमें बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग इस तरह की टिप्पणी करके क्या कहना और क्या जताना चाहते होंगे? देखिए, भारत की संसद 140 करोड़ के लोगों की है। यह संसद किसी धर्म विशेष की नहीं है कि सिर्फ मुसलमान का या सिर्फ हिंदू का। यह भारत भूमि के संसद है, 140 करोड़ लोगों के विश्वास का मंदिर है। भारतीय संसद यह एक संविधान का मंदिर है जो 140 करोड़ के आबादी के लोग इस पर विश्वास करते हैं। और एक धर्म विशेष का जमीन बताना या निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, और बता देने से कुछ नहीं होगा। बदरुद्दीन अजमल कल का बता दे कि भाई ये सारा जमीन जो है इन्हीं का है, इंडिया गेट भी उन्हीं का है, तो कह देने से कुछ नहीं होगा, जुबान से कह देने से कुछ नहीं होगा। जो लिखित तौर पर जो कागजात है वह कुछ और है। और मैं एक बार फिर से बोल दूं कि भारत भूमि अब गुलाम नहीं है, तुगलकों का, मुसलमानों का गुलाम नहीं है, ना अंग्रेजों का गुलाम है। लेकिन फिर भी बदरुद्दीन अजमल ये कह रहे हैं कि पहले तो वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कहकर अलग तरीके से विवाद हुआ, कानूनी लड़ाई लड़ने की बात, और अब कह रहे हैं नए संसद भवन, हवाई अड्डा और न जाने क्या क्या, उद्योगपतियों को सरकार जमीन हड़प कर देना चाहती है, ऐसे तमाम आरोप लगा दिए हैं। इस पर आगे जो रिएक्शन आएंगे नजर आएगी। आचार्य शैलेश तिवारी जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा जहां पर आज नायब सिंह सैनी